हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज बात अपन पेपर फोर की करेंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपको मैंने पूरा समझा दिया, अभी जो बात करने वाले हैं पेपर फोर्थ की बात करेंगे अपन। तो बेसिकली पेपर फोर जो आपका आरएस में है, एक एक बात करेंगे बहुत विस्तार के साथ में, और जो इजी लैंग्वेज हो सकती है समझने की उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो आपको पता है कि आरएस का पेपर जो फोर्थ है, चौथा पेपर है, इस पेपर के दो भाग हैं। टोटल ये पेपर 200 मार्क्स का, 200 नंबर का। इसमें 80 नंबर की आएगी इंग्लिश, 120 नंबर की आएगी हिंदी। अब स्टूडेंट के पहले तो इस पेपर में ये भ्रांति होती है, तब हिंदी तो कर ही लेंगे और इंग्लिश हमें आती नहीं है। पहला तो मतलब ये पता नहीं कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट की, हिंदी आ रही है और इंग्लिश हमें आती नहीं है, जबकि असल में ऐसा है नहीं। अगर भाषा के लेवल पे देखा जाए, आरएस में जिस हिसाब से डिमांड है पेपर की, तो ना तो अपन को ठीक से इंग्लिश का पता है और ना ठीक से हिंदी का पता है। पहली बात तो ये कि हिंदी को 120 नंबर का क्यों रखा, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आ रही इसलिए नहीं। पहले क्या इसमें राजस्थानी भाषा और जोड़ी गई थी 20 नंबर की, तो ये पेपर कैसे थे भाई, 80 का इधर हो गया, 20 नंबर की राजस्थानी भाषा हो गई और 100 नंबर की हिंदी हो गई। अब वो राजस्थानी भाषा को हटा दिया चूंकि कोर्ट में मामला गया तब, तो वो फिर नंबर किसको मिल गए, वो 20 नंबर हिंदी को मिल गए, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें तो अपन जीरो मान के चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या तैयारी करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो हमें आएगी नहीं बिल्कुल भी, और ये 120 में से हमारे 90 नंबर 100 नंबर आ जाएंगे, तो फिर चौथे पेपर को नंबर 100 के मार्क में ले लेते हैं। जबकि असल बात तो ये है कि मेरा पर्सनली मानना कि आरएस के पेपर में डुबोती हिंदी है, क्योंकि दोनों ही विषय को लेकर एक भ्रांति पहली तो यही है कि ये आएगा नहीं और इसको अच्छे से कर लेंगे। दूसरी भ्रांति सबसे बड़ी कि केवल ग्रामर पढ़नी है। देखिए ये कितना बड़ा एक ब्लंडर है कि केवल ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ के जाना है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, बाकी तो देख लेंगे। 80% स्टूडेंट हो पहला ऐसे जाके और मेंस में लिखते हैं पहला निबंध जाके, वहीं पे कोई अभ्यास नहीं, कोई कोटेशन तैयार नहीं है, कोई ऐसे के लिए 15-20 टॉपिक तैयार नहीं है, कोई फॉर्मेट तैयार नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे क्लास में और पहली बार आरएस में लिखेंगे। अभी बहुत बड़ी दिक्कत है, सही बात तो ये है। देखिए ये क्लास हो सकता है कि उन लोगों के लिए बिल्कुल ही काम की नहीं जिनको हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा, जो सिलेक्टेड हैं दोबारा दे रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा है, हिंदी को अच्छा कर लिया। ये उन 80% स्टूडेंट के लिए क्लास है जिनको सही में नहीं पता कि इसको कवर कैसे करना चाहिए। किसी टॉपर का या किसी सिलेक्टेड का या किसी टीचर से सुन लिया ये किताब लेके आनी है और ये किताब इसके लिए लेके आनी है। अब वो ले तो आए, टेबल पे भी रख ली, पर दो पेज ही उससे अभी तक पढ़े नहीं गए कभी, ऐसा नहीं है। देखिए इस पेपर को करने के लिए सही में एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास में होनी चाहिए। पद्मा चौधरी मैडम का एक एग्जांपल लिया जा रहा है अभी, उनके 148 नंबर हैं 200 में से इस चौथे पेपर में। अब सोच के देखिए 200 में से 148 मतलब 150 नंबर के आसपास उनके इसमें आ गए, और कट ऑफ कितनी थी इस बार के हिसाब देखिए 314 कट ऑफ है। एक पेपर में कट ऑफ से आधे नंबर ले आए केवल एक पेपर के दम पे। अगर बाकी तीन पेपर में अगर एवरेज नंबर लेके आ गए आप, देखो जैसे इस बार के हिसाब से देखें तो जैसे 80 और 80 नंबर ही आए, जो कि बहुत नॉर्मल नंबर आ जाते हैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट के। 240 नंबर ये हुए
और लगभग 148 150 नंबर, ये तो नंबर आपके कितने बन गए 400। और इस बार की कट ऑफ के हिसाब से इसके 400 नंबरों प्रोप्रेस गेम बनेगा, ये बिना इंटरव्यू के नंबर हैं। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब क्या है, चौथे पेपर का वेटेज बहुत अच्छा है, अच्छे नंबर आते हैं, पर अच्छे नंबर आपके तब भी आते हैं जब आपका विजन क्लियर है इसमें। केवल ग्रामर पढ़ेंगे, 3 महीने मिलते हैं उसमें से 2.5 महीने ग्रामर को ही देंगे, कंपोजिशन पे कोई मतलब नहीं है। जबकि असल में देखा जाए तो ग्रामर का वेटेज इंग्लिश में तो केवल 20 नंबर का है और बाकी जो 60 नंबर का वो कंपोजिशन पर है। हिंदी का कोई आप ग्रामर तैयार करके जाते हैं बहुत सारे टॉपिक, और कई सारे टॉपिक आप रट के भी जाते हैं, ऐसे कभी नहीं लिखा। जबकि 20 नंबर का निबंध आ रहा है उसमें नंबर आपके आएंगे 4 या 5, उसमें अगर किसी बच्चे के 12-13 नंबर आ रहे हैं, मतलब 8-9 नंबर वो केवल ऐसे ऐसे में एडवांस लेके जा रहा है, तो फिर उसके आगे स्कोर सोचे कितना अच्छा होगा। दूसरी भ्रांति और है, जिसका ग्रामर बोले बहुत अच्छा है, एग्जामिनर आगे अपने आप नंबर दे देता है, किसने ग्रामर अच्छा लिख दिया तो फिर आगे ऐसे में वो ऐसे ही नंबर दे देता है। ऐसे ही नंबर नहीं देते एग्जामिनर, वो ये बात एग्जामिनर को नहीं पता क्या कि जिसकी ग्रामर बहुत अच्छी है उसको आगे सब कुछ अच्छा होगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ, कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। एग्जामिनर ये भी तो सोच सकता है कि हो सकता है कि एलडीसी या पटवारी की तैयारी की हो, ग्रामर पूरी रटी हुई हो, जबकि आगे कंपोजिशन में पता ही नहीं कि ऐसे कैसे लिखते हैं। तो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, हिंदी साहित्य का प्रोफेसर होगा और इधर लिटरेचर इंग्लिश का वो प्रोफेसर होगा। प्रोफेसर होगा इसका मतलब उसकी भाषा पे, उसका भाषा का जो कौशल है वो बहुत शानदार होगा। तो आपके जैसे ही वो ऐसे में पढ़ना शुरू करेंगे, एक पॉइंट उनको लगेगा कि ये तो मामला गड़बड़ा, इनका तो कोई खास है नहीं इनमें दम, तो फिर नंबर मार्किंग रेंज सेट कर लेते 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। हटके नंबर तब मिलते हैं जब आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए कुछ खास करना नहीं होता, आपको 10-20 ऐसे का अभ्यास करना होता है, तो आप उल्टे से चलना चाहिए हमेशा मेरे हिसाब से, वो सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे मान ले आपको जीएस फर्स्ट है या जीएस थर्ड, जो भी टॉपिक ले रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए, उसमें टोटल 9 टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी गलती क्या, यहां से शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से रटेंगे फिर थोड़ा कम रटेंगे, फिर कम, फिर थोड़ा सा ठीक, फिर कम कम, यहाँ पहुँचते पहुँचते केवल टच करके जाएंगे। एग्जामिनर आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो जब भी बड़े क्वेश्चन उठाएंगे नीचे से उठाते हैं। तो कोई भी आरएस मेंस के सिलेबस में कोई सा भी पार्ट आप उठा लीजिए, जो बड़े क्वेश्चन मिलेंगे वो नीचे वाले सेक्शन से मिलेंगे, ऊपर वाले से छोटे क्वेश्चन देगा एग्जामिनर। और छोटे क्वेश्चन का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है आरएस जैसी परीक्षा में। क्यों, फिर मैं चौथे पेपर वापस बात करूँगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में केवल और केवल 10 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के बीच वाले क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के बड़े क्वेश्चन आते हैं। गलती क्या करते हैं, छोटे वाले क्वेश्चन याद करने हैं, जबकि छोटे वाले क्वेश्चन में अगर आपके मान लो पूरा खाली छोड़ के आ गए, आए ही नहीं कुछ, जीरो ही आया, बड़े वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लिए बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ में, और आपके यहां से 40 में से 20 नंबर आ गए और इन 25 में से आपके 15 नंबर आ गए और इसमें जीरो आया, जीरो, छोटे क्वेश्चन तैयार ही नहीं किए। अब देखिए 35 नंबर, एक हिस्ट्री में 35 नंबर, फिर ज्योग्राफी में 35 नंबर, या हिस्ट्री में 35 और इकोनॉमिक्स में 35 और फिर थर्ड यूनिट में 35, ये नंबर कितने बढ़ रहे हैं पता आपको, लगभग 100 से ऊपर, और हर पेपर में 100 से ऊपर मतलब अच्छी रैंक। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि फोकस हमेशा बड़े वाले क्वेश्चन पे, फोकस हमेशा ऐसे पे, फोकस हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पर, फोकस हमेशा पैराग्राफ राइटिंग पर करना है, न कि फोकस हमेशा आर्टिकल पे, टेंस पे करना है। नो डाउट 70 नंबर की ग्रामर आती है और हिंदी इंग्लिश में मिला के, और उसमें 70 में से 17 आने की भी गुंजाइश है, पर ये कभी नहीं करें कि फिर ऐसे कंपोजिशन वाले पार्ट को देखे ही नहीं। हाँ, आपने ग्रामर अच्छी करी है तो बहुत अच्छी बात है ना, वो आपको बहुत एक्स्ट्रा एज दिला देगी, पर जब कंपोजिशन पार्ट जो होता है इस पर अगर आप अच्छा
मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो फिर उसका रिजल्ट कुछ और ही होता है। बहरहाल पेपर फोर की बात कर रहे हैं, पेपर फोर में सबसे पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन की, अंग्रेजी की। बेसिकली आपके इंग्लिश का सेक्शन आपको पता है कि ये जो इसमें जो मार्किंग का आपका पैटर्न रखा गया है वो 80 मार्क्स का है, 80 नंबर का आपका इंग्लिश का आता है, 120 का आपका हिंदी का आता है। अब ये जो इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, आज इंग्लिश पे ही बात करते हैं। इसके तीन भाग हैं, इसका पहला भाग है वो ग्रामर का है, व्याकरण। दूसरा भाग वो कॉम्प्रिहेंशन का है, और जो पार्ट थर्ड है कंपोजिशन का है, कंपोजिशन। अभी मैं समझाता हूं, इंग्लिश में पहले ग्रामर, फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि पहला सेक्शन ग्रामर का तैयार करना चाहिए, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन का, तीसरा कंपोजिशन का। अगर इनके मार्किंग का वेटेज देखा जाए तो 30 नंबर का ये आता है, देखिए सबसे ज्यादा 30 का ये और 20 का ये। इसका मतलब ये कभी नहीं कि आपको इंग्लिश के सारे ग्रामर के रूल पता है तब आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये बात मेरी हो सकता है आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, बच्चे कहेंगे सर जब सेंटेंस ही फॉर्म नहीं करना आएगा आपको तो फिर कंपोजिशन कैसे लिखेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखेंगे। बात तो सही है, पर कुछ फॉर्मेट के नंबर भी होते हैं जो आपको मिलते हैं एग्जामिनर की तरफ से। जैसे लेटर का, कोई लेटर लिखना आया और लेटर में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कि इसका सेंटेंस फॉर्म कैसे किया जाता है, और आपने उसका जो फॉर्मेट है लेटर का वो बहुत अच्छे से लिख दिया और लेटर 10 नंबर का है, तो आपके 3 नंबर तो फिक्स हैं ही कि आपको फॉर्मेट के मिलेंगे। बात समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि ग्रामर वाला पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन वाला और कंपोजिशन वाला पोर्शन, इनको एक एक को कैसे कवर करते हैं, इन पे अपन बात करने वाले हैं। और मैं बात करूंगा बहुत देसी तरीके से इसको कैसे कवर कर सकते हैं, इंग्लिश को किस प्रकार से अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए वही रटी रटाई बात बीके रस्तोगी सर की किताब ले आए, उनको पढ़ लीजिए, निबंध का अभ्यास कर लीजिए, तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब ये है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वो सही में इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है, सीखे हुए लोगों को इंग्लिश अच्छी करने के लिए वो किताब है, जबकि आप में से 20%, इसीलिए आप ये क्लास देख रहे हैं कि आपको इंग्लिश का डर है। 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छा इनरीच करते हैं उन किताबों के थ्रू। अपन तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि सही में टेंस के रूल्स क्या हैं। अपन को तो वो समझाए जो बहुत बैठा के आपको बता दे कि देखो ये रूल है, ये यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात मिलती है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, वाक्य के एक भाग में अगर प्रेजेंट आ रहा तो दूसरे भाग में फ्यूचर प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक भाग में सेकेंड फॉर्म आ रही है तो अगले भाग में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। संडे मंडे ट्यूसडे खालिस्तान के बाद आ रहे हैं तो ओन का प्रयोग किया जाएगा। जनवरी फरवरी आ रहा है तो इनका प्रयोग किया जाएगा। खालिस्तान के बाद में नाइफ आ रहा है तो विद का प्रयोग किया जाएगा। मेरिड आ रहा है, नो आ रहा है, इसके पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, ने की पेशियोसिम बाई का प्रयोग किया जाएगा। अगर वाक्य पर्सनवाचक डब्ल्यू एस सबसे शुरू हो रहा है तो डब्ल्यू एस सबसे उसको कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट डायरेक्ट में। बात समझ रहे हैं आप? आपको ये चाहिए, ये बताने वाला सबसे बड़ी दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई वोवेल मिलता है, वोवेल साउंड मिलता है खालिस्तान के बाद में, ए ई आई ओ यू की, ए ई आई ओ यू की आपको साउंड न की शब्द, तो उससे पहले फिर आपको एन का प्रयोग करना है। अगर खालिस्तान के बाद कैसे लेके गे तक कुछ भी मिल रहा है उससे पहले आपको ए का प्रयोग करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी, बहुत सारे लोगों को खराब लगेगी।
पर अच्छे लगने वालों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि उनको इंग्लिश का सही में इस प्रकार का डर है। तो अपन को ग्रामर की बात करनी है, फिर कॉम्प्रिहेंशन की, फिर कॉम्पोजिशन की। ठीक, दो काम पैरेलल पर डे करने हैं, अगर कर सकते हैं तो इस क्लास को देखना है, अदरवाइज केवल व्यूज के लिए इस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर ये कर सकते हैं, अपने आप से आप कमिटमेंट कर रहे हैं, तो फिर 3 महीने बाद मैं वापस से ऐसी क्लास बनाऊंगा। क्लास ग्रामर तो मैं बताऊंगा या आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश में, पर 3 महीने बाद इसी क्लास को वापस से देखना, आप सोचेंगे कि सही में कई डायमेंशन बदल चुके हैं। पहली बात, शुरुआत कहां से करनी चाहिए अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो? आपको ग्रामर सीखनी है, ग्रामर तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, और मैं बहुत हिंदी में लिखता हूं हर एक चीज को। यहां पे मैं लिखता हूं आपको इंग्लिश की व्याकरण सीखनी है, और इधर मैं लिखता हूं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लिखने का अभ्यास करना है। क्योंकि अभी मैं अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछूंगा तो आप शायद उसको बता नहीं पाएंगे। जैसे गाय हमें दूध देती है, बहुत बहुत सामान्य सेंटेंस है। अगला सेंटेंस में बोलता हूं कि गाय का दूध उपयोगी होता है। तीसरा सेंटेंस बोलता हूं मैं, गाय के दूध से अनेक मिठाइयां बनाई जाती हैं। चौथा सेंटेंस बोलता हूं कि गाय के दूध में औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब 4 सेंटेंस बोले हैं। तीसरी क्लास में यह सिखाया जाएगा, क्लास नंबर 3 में आपको, कि गाय का दूध उपयोगी होता है, गाय हमें दूध देती है। चौथी में आपको सिखाया जाएगा कि गाय का दूध उपयोगी होता है। पांचवी में सिखाया जाएगा कि गाय के दूध से अनेक मिठाइयां बनाई जाती है, और छठी में आप ये सीखेंगे कि गाय के दूध में अनेक औषधीय गुण होते हैं। समझ रहे हैं आप? जनरली जो मार्केट से किताब लेके आते हैं उसमें शुरुआत कहाँ से की जाती है? गाय के दूध में औषधीय गुण होते हैं। आप कहेंगे यार ये पता नहीं औषधीय क्या होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? गाय दूध देती है तो देने का इंग्लिश क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेंगी। आपको क्या करना है अपने हिसाब से। भाई दुनिया में कई सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, आप कहोगे सर ये किताब अच्छी है, वो किताब तो अच्छी है, पर अपनी बहुत हार्ड शब्दों में कहो तो अपनी औकात उस किताब के लायक है कि नहीं, बात वो है ना। वो किताब तो बहुत अच्छी है, पर अपन उस किताब के स्तर तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं मैटर ये करता है। तो सबसे पहले अपना स्तर बढ़ाना, किताब यहाँ है तो अपनी तो यहाँ पे है, तो ये किताब अपने से मैच नहीं करेगी। अपना स्तर बढ़ाना, इसके बराबर आना, तब आप उस किताब को कैच कर पाओगे। तो ये कभी किसी को मत पूछो कि इंग्लिश की सबसे अच्छी किताब बतानी है। आपको सही में शुरुआत करनी चाहिए क्लास नंबर 3 से, तीसरी क्लास से। अब ये बात कईयों को सही लगेगी, कईयों की नहीं लगेगी। इसका एक व्यवहारिक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार जो आरएएस मेंस का पेपर लगा है उसको आप डाउनलोड कीजिए, लिखिए आरपीएससी, और आरपीएससी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर का सेक्शन आएगा, उसको खोल के इस बार का आरएएस मेंस का पेपर 4 या मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकालो। और आपके घर पे जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है या 6ठी क्लास में, इंग्लिश मीडियम का बच्चा थोड़ा ठीक है, उसको पेपर दे दो, और उसको कहोगे बेटा आपके पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे आप आराम से इस पेपर को लिखिए, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय दीजिए। आप बोले बेटा इसमें ग्रामर वाला पोर्शन आप समझ लो, इसको लिखना है, सारा करना है। वो जैसे ही बच्चा पूरा कर दे उसे कॉपी ले लो और किसी इंग्लिश के टीचर से चेक करवा लो, वो उसके 80 में से 40, 45, 50 तक नंबर दे देंगे उस पेपर में, जबकि उस बच्चे की कोई तैयारी नहीं थी, वो तो रेंडम पेपर दिया था उसने। तो इंग्लिश में 50 नंबर आने का मतलब आप समझ रहे हैं, 130 से ज़्यादा स्कोर हो सकता है आपका चौथे पेपर में। तो इस बात का सारांश क्या निकला? इस बात का सारांश तो यही निकला ना कि आपका स्तर तो 5वीं 6ठी से ऊपर जा ही नहीं रहा आरएएस के पेपर में, तो फिर उस लेवल से पढ़ने की जरूरत आपको कहाँ पे पड़ रही है? अभी शुरुआत 0 से तो कीजिए। आपको ABCD के अलावा सोचिए कुछ नहीं आता है। ABCD तो आ ही रही हो आपको, तो आपको मान लो ABCD के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 3 से। आज ये अपनी पहली क्लास है, फिर स्टेप स्टेप चलेंगे अपन हर क्लास में। क्लास नंबर 3, तीसरी क्लास की एक तो लेके आओ इंग्लिश की बुक, जो इंग्लिश की किताब आती है वो, और एक लेके आओ तीसरी क्लास की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की बुक।
ये कर सकते हैं तो कर लेना, अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग आरएस देते हैं, बहुत सारे लोग लुढ़क जाते हैं, बहुत सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, जिनको इंग्लिश का सही में आइडिया नहीं कि इसमें करना क्या है। आप लेके आओ थर्ड क्लास की कोई भी बुक इंग्लिश के लिए, क्या हो एक तो, और एक कोई भी बुक अगर सामाजिक विज्ञान की मिल जाती है तो ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी की। आज आपको ना मैं सिलेबस समझाऊंगा ना कुछ और, ही अपना इंग्लिश का फर्स्ट डे है, इससे अपनी को शुरुआत करनी है। फिर डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे ऐसे अपन एक साइंटिफिक तरीके से चलने वाले हैं। कोई अभी महारथी नहीं बनाना आपको, आप आराम से 2 महीने दीजिए, थोड़ा डर निकालना है और आप सीख जाएंगे। इस किताब का क्या करना है, इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आज पढ़ेंगे आप, चैप्टर फर्स्ट। शर्म भी आएगी, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्या करना है? शर्म अगर आती है उसका पहला पेज आप फाड़ दीजिए जिसपे लिखा हो कि क्लास थर्ड, तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप। इस चैप्टर फर्स्ट को आप पढ़िए, इसमें कुछ तो आपको मिलेंगे सेंटेंस, वाक्य, बहुत हर कुछ देसी में लिख देते, वाक्य मिलेंगे। और वाक्य कैसे मिलेंगे, जैसे माई नेम इज, फिर उसके फुल स्टॉप मिल जाएगा आपको। इसका मतलब एक वाक्य मिला, फिर दूसरा वाक्य मिलेगा, आई मैंगो, माम खाता हूं, फिर ऐसे मिल जाएगा वाक्य, आई हैव नंबर्स ऑफ फ्रेंड। अब यहां फंस गए आप, नंबर्स ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको गोला कीजिए कच्ची पेंसिल से, एक डायरी रखिए उसमें लिखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मेरे पास कई संख्या में दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, इसको आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया, इसको लिख लीजिए डायरी में नोट कर लीजिए, यह आपने सीखा। इसका एक चैप्टर आज पढ़िए, पढ़ लिया, नहीं समझ में आता कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अभी केवल आपको एक पढ़ना टॉपिक। दूसरी जो आपके पास किताब हो सामाजिक विज्ञान की, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट खोलिए, उस चैप्टर नंबर फर्स्ट को वापस, आपके पास एक रजिस्टर हो या कोई रफ रजिस्टर हो, उसमें चैप्टर फर्स्ट को एडजेक्टिव्स उतारिए। उसमें लिखा हुआ है कोई भी, जैसे कोई भी टॉपिक है पार्लियामेंट पर, मान लो पार्लियामेंट टॉपिक का नाम लिखा ऊपर, ऐसे आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर में इस पार्लियामेंट का जो टॉपिक है अपने रजिस्टर में, इसको आप उतारिए, इसको देख देख कर कि इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फुल स्टॉप, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टू हेड, वन इज एग्जीक्यूटिव हेड एंड वन इज रियल हेड। कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल उतारते चलना, उतारते चलना, इससे क्या होगा, पार्लियामेंट आया, इसकी स्पेलिंग समझ में आई, फॉर्म की स्पेलिंग लिखी, गवर्नमेंट की स्पेलिंग लिखी, ये स्पेलिंग आपकी मिस्टेक होना बंद हो जाएंगी। एक दिन में नहीं होगा, कम से कम एक महीना, किसी की कुछ नहीं सुननी है, एक महीने तक उतारते जाइए, उतारते जाइए, जो नई स्पेलिंग लग रही है उसको गोला मार कर लीजिए अपने रजिस्टर में, उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार पढ़िए, उसको देखिए। कोई स्टैंडर्ड की किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी कोर्स की एक बार आपको जरूरत नहीं है, आप उसके लायक बनिए, क्योंकि टीचर कितना भी नीचे उतर के पढ़ाए वो आप वाले लेवल पे नहीं आ पाएगा, ये पक्की बात है। एक ये काम करना है, एक ये काम करना है, ठीक, ये हुआ फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, ठीक। तो क्या करना आज से, सबसे पहले आपको भी एक बार सिलेबस भी मत देखिए, कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको सिलेबस समझाता। पहला स्टेप क्या हुआ आपका, ये वाला काम हो गया। अब ये अगर आप एक महीने तक लगातार इसको कंटिन्यू करते हैं, ये पैरेलल चलना चाहिए। मैं आपको कुछ और पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तीसरी क्लास वाला, क्योंकि ये आप खुद से होमवर्क आपका ये कर सकते हैं।
अपन शुरू करेंगे ग्रामर वाला पोर्शन और साथ में कंपोजिशन भी। कंपोजिशन में मैं आपको इतना बना दूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसे आता है उसको ऐसे लिखना, कुछ शब्द फिक्स होते हैं रटे रटाए, उनको लिख के आप नंबर ले सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में एक लाइन बोलता हूं, अभी इंग्लिश में बोलूंगा शायद आपके समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि आप ध्यान से सुनना कि किस पर ऐसे ऐसे किस पर है ये, देखिए इसको लिखते हैं। ऐसे खालिस्तान की समस्या वर्तमान में वैश्विक रूप धारण कर चुकी है, के लिए राष्ट्रों ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए हैं परंतु इसके लिए जनसहभागिता अति आवश्यक है। समाधान से पहले इसके कुछ कारण या इस के कारण देखते हैं। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, पर्यावरणीय कारण, धार्मिक कारण, स्थानीय कारण, वैज्ञानिक कारण, किसकी बात कर रहे हैं आप, जिसकी चाहो उसकी बात है। कोरोना पर निबंध आता तो लिख देते, पर्यावरण समस्या वर्तमान में वैश्विक रूप धारण कर चुकी है, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रों को अपने स्तर प्रयास शुरू किए हैं परंतु इसके लिए जनसहभागिता की जरूरत है। समाधान से पहले इसके कारण देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की समस्या, दहेज की समस्या, इसको इंग्लिश में अगर इसको सेम इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बताऊं, ये प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड रूप से फैल चुकी है और इसके सॉल्यूशन के लिए सारे राष्ट्रों की जॉइंट एफर्ट लगाने की जरूरत है, पर साथ ही साथ में इसके लिए जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो नेसेसरी है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से पहले अपन को कुछ इसके रीजन देख लेने चाहिए, जिसमें सोशल रीजन हो गया, इकोनॉमिक रीजन हो गया, ज्योग्राफिक रीजन हो गया, इसके अलावा इन्वायरमेंटल रीजन हो गया, रिलीजियस रीजन हो गया, लोकल रीजन हो गया, साइंटिफिक रीजन हो गए। ये लो, ये इंग्लिश कैसे तैयार हो रहा है। अब आपको इसका मतलब ट्रिक लगाई आपने और आपने इस ऐसे को फॉर्मेट तैयार कर लिया और परीक्षा में ऐसा ऐसे लिख के आ गए और उस समस्या का केवल आपको नाम भर देना वहाँ पे, तो इससे 10 नंबर की बजाय 10 नंबर का ऐसे होता है तो आपके औरों के अगर जीरो आएगा कुछ लिखे तो आप पास नंबर तक तो जा ही सकते हैं। और पास नंबर का मतलब फिर आपको बता मेंस में क्या होता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ तो ट्रिक लगानी है इंग्लिश के लिए और कुछ आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। अब जिन बच्चों का थोड़ा सा इंग्लिश ठीक है वो क्या करें, वो ये करें कि आज से ग्रामर शुरू करें और आपके ग्रामर में
लगभग 10 सेंटेंस जो शुरुआत के हैं वो आपसे जो एरर है वो फाइंड करवाएंगे, करेक्शन करवाएंगे। मतलब जैसे पहला टॉपिक आपके आर्टिकल्स लिखा हुआ है, तो आर्टिकल्स में आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसमें कुछ एरर होगी और उस एरर को आपको फाइंड करना है और वो फिर नीचे रीराइट कर देना है। फिर आपके दूसरा टॉपिक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में वो अलग प्रकार की प्रीपोजिशन लगा देगा जो कि लगनी नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई मंथ ऑफ जनवरी है, दिवाली है, दिवाली या होली है, होली होली के पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगी, फेस्टिवल के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है और वहां पे इन लगा देगा कि माई मदर इज कमिंग होम इन होली। गलत, तो आपको क्या लिखना है, माई मदर इज कमिंग होम ऑन होली। ऐसे आपको सेंटेंस वहां पे सही करके आना है। ऐसे ही फिर आपका अगला आ गया टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस का आपको अगर करके आना तो वहां पे आपको ऐसे भर देगा, जैसे कोई आपको एक वाक्य दे दिया और उसमें आपको बना दिया कि माई फादर इज लाइकिंग टी, कि मेरे पापा को चाय पसंद है, चाय पसंद करते हैं, तो करते हैं, मेरे पापा चाय पसंद करते हैं, तो आपको लगेगा अच्छा करते हैं, कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, ता है ती ते जोड़ तोड़ के करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे आपको यह पकड़ना है कि यहां पे सेंटेंसेस किससे संबंधित है। सेंटेंस का संबंध यहां पे हैबिचुअल, हैबिट से संबंधित है, आदत। और जब भी इंग्लिश में कोई आदत वाला वाक्य है वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मैं तरीके आपको रटवाऊंगा। चाहे तो अपन कल से अपन आर्टिकल शुरू कर सकते हैं, चाहे अपन प्रीपोजिशन शुरू कर सकते हैं, चाहे कॉम्पोजिशन शुरू कर सकते हैं, पर आपको इसमें से कोई सा भी एक सेंटेंस लेना, उसको पूरा रीड आउट करना कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या इसका समाधान हो सकता है। ये काम तो करना आपको इंग्लिश के लिए। तो शुरुआत अपन जीरो से। ये क्लास उन्हीं के लिए है जिनको एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता है, कि केवल एबीसीडी आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, और दे वॉन्ट टू नो इंग्लिश, वो इंग्लिश जानना चाहते हैं और इंग्लिश में परफेक्शन लाना चाहते हैं, इस क्लास को आप देख सकते हैं। आपको इसके लिए क्या क्या करना है, एक आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, एक तीसरी की क्लास की किताब, दो किताबें, एक इंग्लिश की किताब और दूसरी सामाजिक विज्ञान की किताब। ये काम आपको आज से शुरू करना है। अभी ज़्यादा नहीं करके इस पर इतनी बात करेंगे आज। अगर आप इस क्लास का देखते हैं, अगर आपको ठीक लगता है इस तरीके से करना, तो इसको कंटिन्यू करके मैं इंग्लिश आपकी पूरी करवा दूंगा, लोकल भाषा में, देसी भाषा में। ये नहीं लेंगे कि आरएएस की क्लास है, लेंगे कि तीसरी क्लास के बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। अपने आप आपका परफेक्शन आता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।